हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लेसन प्लान है वो साइंस के ऊपर है और इसका टॉपिक रहेगा चंद्रमा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही पुरानी आप सारी डिटेल्स इसे क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। और अगर आपको इस तरीके का रजिस्टर नहीं मिला होगा तो आप खुद से ही ये क्या करेंगे, डिटेल यहाँ पे बना लेंगे। नीचे आ जाएगा आपका विद्यालय का नाम, आप उसको भी फिल करके जहाँ भी जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग हो रही है आप उसका नाम डाल करके आगे को अपनी डिटेल्स फिल कर लेंगे। उसके बाद हमारा लेसन प्लान का सबसे पहला काम होता है सामान्य उद्देश्य लिखना। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस की जो भी आपने टीचिंग है उसके सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आपका सामान्य उद्देश्य में क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं 5 सामान्य उद्देश्य, आप इनको भी वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप बच्चों को जो भी पढ़ाना चाहते हैं आज के टॉपिक में उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ाना है खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ाना है और दूसरा हमने आज उन्हें चंद्रमा के बारे में पढ़ाना है। तो ये आपका क्या आ गया, विशिष्ट उद्देश्य आ गया। उसके बाद आ जाती है आपकी सहायक सामग्री, आपने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं टीचिंग के लिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे शैम्पर, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। और अगर आप चंद्रमा को चार्ट के थ्रू समझाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चार्ट भी ऐड कर देंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में क्या आ जाएगा, बच्चों को किस चीज़ के बारे में पुरानी जानकारी है आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे छात्रों को सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी है कि आपकी धरती कैसे होती है, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे उसमें, इनके बारे में उनको जानकारी है, तो ये आप क्या कर देंगे, पूर्व ज्ञान में आ जाएगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपने इस तरीके से पार्टीशन कर लेना है, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रमशः, फिर शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, आप जो भी क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे या जो भी करेंगे उसके बारे में आ जाएगा, छात्र आपका जो भी रिस्पांस देंगे, यहाँ पे विधि आ जाएगी और यहाँ पे शाम्पट कार्य और मूल्यांकन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रस्तावना। आप चाहें तो प्रस्तावना यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न यहीं पर लिखेंगे लेकिन प्रस्तावना हेडिंग जो है शिक्षण बिंदु में यहाँ पर डाल सकते हैं। तो छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया में क्या आएगा, प्रस्तावना में आप जो भी उनसे प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, पुराने टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी उनसे क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ पर आएंगे। और वो क्वेश्चन इस तरीके के होंगे कि धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे, आपको नए टॉपिक की ओर लेकर जाएंगे। तो उद्देश्य में यहाँ पे आ जाता है पूर्व ज्ञान को नवीन से जोड़ना, कि बच्चों को पुराना क्या पता है उससे रिलेट करके आपको नई चीज़ें उसमें उनके ज्ञान में और वृद्धि करनी है, इसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे शिक्षण उद्देश्य। छात्र कथन या क्रिया में क्या आएगा, आपके जो भी वो जवाब देंगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। विधि क्या आ गई, प्रश्नोत्तर विधि आ गई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रस्तावना प्रश्न का। उसके बाद आ जाता है उद्देश्य कथन, वही आप जो भी पढ़ाने वाले हैं उन्हें, जैसे हम खगोलीय पिंड और चंद्रमा के बारे में पढ़ाने वाले हैं तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। और उद्देश्य में क्या आ जाएगा, यहाँ पे छात्रों को प्रकरण से अवगत कराना। उसके बाद आता है हमारा स्पष्टीकरण, आपने जो भी ऊपर प्रश्न पूछे थे, प्रस्तावना प्रश्न पूछे थे, तो उसमें आपका एक समस्यात्मक प्रश्न था जो कि आपका किससे रिलेटेड था, खगोलीय पिंडों से रिलेटेड था। तो अब आपको क्या करना है, बच्चों को उसी के बारे में जानकारी देनी कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो आप उनका क्या करेंगे, यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। उद्देश्य क्या आ जाएगा कि छात्रों को खगोलीय पिंडों के बारे में समझाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। अब जो छात्र हैं यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो आपको सभी सुन रहे होंगे ध्यानपूर्वक। विधि क्या आ जाएगी, आपकी व्याख्यान विधि आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ मूल्यांकन में हमारे लिए तो कंपलसरी नहीं था कि हम मूल्यांकन प्रश्न डालें, लेकिन अगर आपके टीचर बोले यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न डालना है तो आपने जो भी पढ़ाया है यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पर डाल सकते हैं कि जैसे खगोलीय पिंड क्या होते हैं, इस तरीके से आप उसे डाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद आता है आपका विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, जैसे अब मुझे जो है छात्रों को चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताना है, तो वही एक एक करके मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी, लास्ट में वहीं पे अटक जाएगी उनकी, वहीं पे अटक जाएंगे वो, कि समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने समस्यात्मक प्रश्न डाला है, चंद्रमा की आकृति प्रतिदिन क्यों बदलती है, तो ऊपर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको क्या चंद्रमा की आकृति रोज एक ही जैसी दिखती है, किस तरीके से आपको किस दिन चांद पूरा दिखता है, किस दिन चांद अधूरा दिखता है, इसके बारे में आपके प्रश्न होंगे। तो ये आ जाते हैं उनके विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, अब उसी का आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है बच्चों को कि किस तरीके से हमारे चंद्रमा की आकृति हमें बदलती हुई दिखाई देती है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, स्पष्टीकरण आ जाएगा। उद्देश्य में क्या आ जाएगा, छात्रों को चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के बारे में बताना कि हमें चंद्रमा की विभिन्न कलाएँ क्यों देखने को मिलती है, क्यों चंद्रमा का जो है हमें रोज अलग अलग देखने को मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद क्या करेंगे, आप इस तरीके से चार्ट बना के ले जाएंगे और छात्रों को बताएंगे कि कैसे आपका जो है सन और अर्थ की पोजीशन और मून की पोजीशन के थ्रू आपको जो है ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, छात्रों को चार्ट की मदद से चंद्रमा की कलाओं के बारे में समझाएंगे, हम जो करेंगे क्रियाएँ जो हम करेंगे, छात्र अध्यापिका जो क्रिया करेगी उसके बारे में आ जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, सभी ध्यानपूर्वक आपको सुन रहे होंगे। उसके बाद फिर से आपका विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा, अगला जो स्पष्टीकरण है। जैसे अब हमें छात्रों को बताना है कि चंद्रमा का पृष्ठ कैसा होता है, वहाँ वायुमंडल होता है या नहीं होता है, किस तरीके की गैसें मिलती हैं, इसके बारे में उन्हें बताना है। तो आप उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड आपने डाल देंगे। उसके बाद आ जाएगा चंद्रमा के पृष्ठ, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न था, बच्चों को अब हमें इसके बारे में समझाना था, तो इसका आप पूरा उन्हें स्पष्टीकरण यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उद्देश्य में क्या आ जाएगा, छात्रों को चंद्रमा के पृष्ठ व वायुमंडल के बारे में बताना, ये क्या आ जाएगा, आपका उद्देश्य आ जाएगा। बच्चे क्या कर रहे होंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी व्याख्यान विधि आ जाएगी। अच्छा, इससे ऊपर जो आपका ये वाला था स्पष्टीकरण, यहाँ पे अगर आप चार्ट बना के डालें तो प्रदर्शनी विधि भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रखे हैं उसी से रिलेटेड कुछ पुराने प्रश्न उनसे, मतलब उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, देखने के लिए कि बच्चों को आपने पढ़ाया है जो वो समझ में आया या नहीं आया, उन्होंने कितनी आपकी नॉलेज को ग्रैप्स करा है, इसके बारे में वो डाल देंगे, ठीक है। और उद्देश्य क्या आ जाएगा, छात्रों में ज्ञान का प्रत्यास्मरण करवाना, बच्चों को दोबारा से देखना कि देखना बच्चों को वो चीज़ आई है या नहीं आई है, या दोबारा से उन्हें वही चीज़ें याद कराना। इसके बाद आ जाता है हमारा शाम्पट कार्य और निरीक्षण। तो आप बच्चों को बोलेंगे कि मैंने ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा है उसे अपनी कॉपी में उतारिए और देखेंगे कि बच्चे काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे उस वक्त क्या कर रहे होंगे, सभी अपना काम को उतार रहे होंगे, ठीक है। विधि क्या आ जाएगी, निरीक्षण आ जाएगी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा बता के, जैसे आज हमारा टॉपिक चंद्रमा का है, तो आपने ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा होगा उसको बनाकर यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है ब्लैक पेपर में। और लास्ट में आ जाएगा आपका गृह कार्य। गृह कार्य आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन उन्हें होमवर्क दे दीजिए, या ये भी लिख सकते हैं कि आज क्लास में आपने जो भी कराया है उसी को याद कीजिए। तो ये आ जाएगा आपका गृह कार्य में, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के संग, जिसमें हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।